Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा 16 चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आपने इससे पहले की 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो प्रीवियसली भी हमने देखा कि फैट आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डाइजेशन ही स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो रीजन है जहाँ पे आपका डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होता है, और फैट का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपके जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं ये लार्जर इन साइज हैं, इसीलिए इन सभी फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉल पीसेस, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, मीजल्स। और ये काम करते हैं आपके बाइल सॉल्ट्स। तो जो आपका बाइल जूस है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो ये सभी आपके इनसॉल्यूबल मटेरियल है जिन्हें इन द फॉर्म ऑफ मीजल्स बनाया जाता है। प्रीवियसली मैंने आपको मीजल्स एंड काइलोमाइक्रॉन्स के बीच में भी डिफरेंस बताया था। तो मीजल्स आपके कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स एंड बाइल सॉल्ट्स। तो ये टाइनी स्फेयर्स है विद हाइड्रोफिलिक एंड्स। अब मैंने आपको बताया था कि इन मीजल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय सिंपल डिफ्यूजन। फिर जब इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा देन दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, तो जिन्हें हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या है? प्रोटीन कोटेड वाटर सॉल्यूबल फैट ड्रॉपलेट्स, जिन्हें रिलीज किया जाएगा इनटू द लिम्फ वेजल्स दैट इज लेग टेल्स प्रेजेंट इन द विलाय। तो इन दिस फॉर्म ये जो आपका फैट एंड लिपिड है दे आर पुट इनटू द सर्कुलेशन। तो लिम्फ वेसल से इन्हें रिलीज किया जाएगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो इस तरह से आपके फैट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है हमारी बॉडी में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डिफिशियंसी है जो आपको डिफरेंसेस के फॉर्म में भी पूछी जाती है, PEM, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। तो ये डेफिशिएंसीज में हम देखेंगे, एक आपकी डेफिशिएंसी है क्वाशियोर्कर एंड दूसरी डेफिशिएंसी है मैरस्मस। तो जो आपकी क्वाशियोर्कर डेफिशिएंसी है वो प्योरली प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और मैरस्मस आपकी प्रोटीन्स एंड कैलोरीज की डेफिशिएंसी है, मींस और भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। तो इनके बारे में डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। तो ये जो डेफिशिएंसी है ये मोस्टली बच्चों में देखी जाती है दो डिफरेंट एज ग्रुप्स में। तो आपकी ये डेफिशिएंसी उन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को अफेक्ट करती है जहाँ पे खाने की काफ़ी कमी है, लोग काफ़ी गरीब हैं, जहाँ पे उन्हें प्रॉपरली एक टाइम का खाना भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप सोचो वहाँ पे जो भी इन्फेंट्स होंगे उन्हें कितनी सारी डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़ता है आफ्टर दे क्रॉस देयर इन्फेंट स्टेज। क्योंकि अगर उन्होंने इन्फेंट स्टेज पार भी कर ली, वो अपने चाइल्डहुड या अडल्टहुड में आ गए, उनकी बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ डेफिशिएंसीज होंगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर फूड। क्योंकि प्रॉपर फूड ही नहीं है, तो हम बैलेंस डाइट की तो क्या बात करें, प्रॉपर फूड ही उनके लिए अवेलेबल है नहीं, और है भी तो इट इज़ नॉट ऑफ गुड न्यूट्रिएंट क्वालिटी। तो PEM अफेक्ट करता है आपके इन्फेंट्स को, चिल्ड्रन को। तो ये दो तरह के डेफिशिएंसीज हम देखते हैं, मैरस्मस एंड क्वाशियोर्कर। तो फर्स्ट आपकी डेफिशिएंसी है मैरस्मस। तो ये डेफिशिएंसी प्रोटीन्स एंड कैलोरीज की है, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। तो सभी न्यूट्रिएंट्स और कैलोरी की कमी होने की वजह से इन्फेंट्स में ये डिसीज होती है दैट इज मैरस्मस। और ये कैसे इन्फेंट्स और कौन से एज ग्रुप में देखी जाती है? ऐसे बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं, ठीक है, तो ये कॉमन है अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ऐसे बच्चे जिनको अपनी छोटी एज में बिलो 1 ईयर उनको प्रॉपर मदर मिल्क नहीं मिला और उसे रिप्लेस कर दिया गया ऐसे खाने से विच इज पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीफिक वैल्यू, तो ऐसे बच्चे सफर करते हैं आपकी इस डिसीज से।
एंड ऐसा तब भी होता है जब मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। तो इसीलिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी ऐसा कहा जाता है कि दो चाइल्ड के बीच में 3 ईयर का गैप होना चाहिए सो दैट जो फर्स्ट चाइल्ड है वो प्रॉपरली एक मेच्योर एज में आ जाए और वो अपना खाना खुद खा सके। क्योंकि आप सोचो अगर सेकेंड जो चाइल्ड है उसका बर्थ जल्दी हो जाएगा तो फर्स्ट चाइल्ड को अपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट और केयर नहीं मिलेगी। तो आपके मैरिस्मस में क्या क्या चीज़ें जो आपका बच्चा है वो फेस करता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई, कैलोरीज प्रॉपरली नहीं मिल रही तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो रिटार्ड हो जाएगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक्सट्रीम एमेसिएशन ऑफ द बॉडी मीन्स बॉडी बहुत ही पतली थिन हो जाती है और लिम्स हाथ पैर मतलब फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स बहुत पतले पतले हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है जैसा कि आपने पीछे पिक्चर में भी देखा। तो ग्रोथ रेट और बॉडी वेट कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन होता रहता है, वेट कम होता रहता है, यहाँ पे मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्ड होने से ब्रेन का जो मेंटल फंक्शन है वो भी इम्पेयर हो जाता है। नेक्स्ट आपकी डिसीज है क्वाशियोर्कर। तो ये प्योरली आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है जो देखी जाती है 6 मंथ से 3 ईयर्स तक के बच्चे में। तो जिनकी एज 6 मंथ से 3 ईयर के बीच में है उनमें ये डिसीज आपकी देखी जाती है क्वाशियोर्कर। इसमें क्या होता है जो बच्चा है जिसे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसकी वजह से उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही थिन हो जाएंगी, पतली मसल्स हो जाएंगी, ब्रेन डेवलपमेंट और वो सब चीज़ें तो रहती ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है स्किन में फैट तो है वो प्रॉपरली पूरी बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो वो जो बॉडी फैट है वो पेट में काफ़ी ज़्यादा जम जाता है। तो जो बच्चे क्वाशियोर्कर से सफ़र करते हैं उनका जो एब्डोमिनल फैट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू हाथ और पैरों पे जो फैट है। तो यहाँ पे एनलार्ज्ड फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हो, क्वाशियोर्कर मींस होता है रिजेक्टेड चाइल्ड एंड मैरिस्मस मींस वर्किंग अवे। तो आप क्वाशियोर्कर में देखो 1 to 5 ईयर यहाँ एज ग्रुप बताया गया है, 6 to आपको 3 ईयर्स भी आपको मिलता है क्वाशियोर्कर में लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है तो यहाँ पे जो चाइल्ड है उसे प्रॉपरली प्रोटीन डाइट नहीं मिल रही है, प्रोटीन डाइट कम होने की वजह से उसका उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत कम हो गया है। इसके ऑपोजिट मैरिस्मस में क्या हुआ, जो बच्चा है वो अंडर नरिश्ड है, उसे प्रॉपरली कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, कैलोरी जो फूड है वो प्रॉपर मिल ही नहीं पा रहा है। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट सभी चीज की इसमें यहाँ डेफिशिएंसी हो गई। तो मैरिस्मस में जो बच्चा है वो बहुत ही थिन हो जाता है, एकदम कंकाल जैसे दिखने लगता है, उसके रिब्स दिखने लगते हैं मैरिस्मस में। तो यहाँ पे आप सिम्टम्स देख सकते हो क्वाशियोर्कर एंड मैरिस्मस के क्या सिम्टम्स हैं यहाँ डिस्कस किए गए हैं। क्योर के लिए हमारे पास यही है, क्वाशियोर्कर में हमें बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट खिलानी पड़ेगी और मैरिस्मस में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं सारे आपके कार्बोहाइड्रेट फैट प्रॉपर एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उसका डेवलपमेंट वापस से रीस्टार्ट हो जाए। तो कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो हमने कैलोरीफिक वैल्यू आपकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की प्रीवियसली भी वीडियो में देखी थी। तो इसके साथ आपका चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्रेजेंट ऑन माय चैनल प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।